सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो आज हम इसके बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो वो प्रॉब्लम्स के लिए आपको सभी फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, ठीक है? और फॉर्मूले के साथ साथ वो दो थ्योरम भी मालूम होने चाहिए। कौन से दो थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या था? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में है तो। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, ठीक है? और बाकी जो भी पूरे ऑब्जेक्ट थे वो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद होने चाहिए। जैसे पहले तो रॉड का, रिंग, डिस्क, फिर स्क्वायर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना, फिर उसके बाद रिंग डिस्क हो गया, सिलेंडर, सिलेंडर में भी दोनों हॉलो सॉलिड, फिर उसके बाद स्फीयर, स्फीयर में भी हॉलो सॉलिड, फिर कोन में भी हॉलो सॉलिड। इतने स्ट्रक्चर्स के हमको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक फॉर्मूला जो है आपके सिलेंडर के लिए। लेकिन सिलेंडर के लिए कैसा, ये देख लो। अब ये नॉर्मल सिलेंडर जो हमारा था उसमें हम एक्सिस कुछ ऐसे बनाए देते, यहां पे हम ये ऐसा सिलेंडर बना लेंगे पहले, चलो। तो ये सिलेंडर बन गया हमारा। अभी तक हम इसमें एक्सिस कुछ ऐसी लेते थे, एक्सिस हम इधर लेते थे पासिंग टू द सेंटर, ठीक है? अब हम इसकी एक्सिस चेंज करने वाले हैं। अब हम एक्सिस ऐसी रखने वाले हैं इसकी। अब एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से तो हो रहा है, लेकिन अब ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है। अब ये सिलेंडर में फिर से दो टाइप हो सकते हैं, कौन से? हॉलो और सॉलिड। तो यहां लिख लेते हम दोनों केस के लिए स्टडी कर लेंगे, एक बार हॉलो के लिए और दूसरी बार सॉलिड के लिए। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं इस एक्सिस में यहां फर्स्ट एक्सिस लिख दूंगा, मैं ये लिख दूंगा सेकंड एक्सिस, तो अगर मेरे को फर्स्ट एक्सिस में निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका हॉलो सिलेंडर के लिए क्या आंसर आता था? आई सी लिख देता हूं मैं सेंटर ऑफ मास से, एम आर स्क्वायर, किसके जैसा? रिंग जैसा। और सॉलिड में किसके जैसा? डिस्क जैसा। कितना? एम आर स्क्वायर बाय टू, ये वाली एक्सिस में। अब मेरे को ये वाली एक्सिस में नहीं होना, मैं एक्सिस दूसरी चेंज कर रहा हूं। अब मेरे को होना है ये वाली एक्सिस में। तो क्या ये वाली एक्सिस में हम आंसर निकाल सकते हैं? कैसे? पैरेलल एक्सिस नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हमने देखा था जहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में नॉर्मली और हो क्या रहा था, आधा हो जा रहा था, आधा हो गया। तो अगर मैं निकालू, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के लिए, तो इस एक्सिस में कितना आएंगे हॉलो सिलेंडर के लिए? एम आर स्क्वायर बाय टू। तो यहां पे इस एक्सिस पे आ गया ये एम आर स्क्वायर बाय टू आ गया। तो अब हमको इस एक्सिस से मिल गया और इस एक्सिस में निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, दोनों एक्सिस पैरेलल है। लेकिन हमको सिर्फ ये डिस्क नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये यहां पर ऐसे डिस्क बन गई हमारी। कौन सी डिस्क? ये वाली, ये डिस्क बन गई हमारी अभी। तो मेरे को सिर्फ ये डिस्क नहीं होना है आंसर, और ये डिस्क को थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हम, तो ये कुछ ऐसी डिस्क होगी। तो मेरे को ये डिस्क का होना, और ऐसे बहुत सारे मैं डिस्क लगाऊंगा, ये अगर हॉलो है तो बहुत सारे रिंग्स लगाऊंगा, तब आंसर आएगा। तो ये सबका क्या करना पड़ेगा? एडिशन हो। एडिशन कैसे करेंगे हम? इंटीग्रेशन करके। तो ऐसे हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अब हम इसका पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, और उसकी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि अगर इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स पूछा तो कैसे पूछेगा, ठीक है? तो ये देखो, क्या ये, अगर मैं इसकी थिकनेस बहुत कम कर दूं, क्या ये रॉड जैसा दिखेगा? तो मान लो इसकी लेंथ है यहां पर कुछ तो एल, और इसका रेडियस है कितना? आर, ठीक है? तो अब देखो इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आने वाला है। फर्स्ट एक्सिस पे तो हमको मालूम है, अगर हॉलो रहेगा तो एम आर स्क्वायर, सॉलिड रहेगा तो एम आर स्क्वायर बाय टू। अब इस एक्सिस पे निकालना है, ठीक है? तो मेरे को बताओ, सेंटर से रॉड का क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर बाय 12। तो यहां पे मैं इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालूंगा हॉलो के लिए, तो वो आएगा पहले रॉड का एम एस स्क्वायर बाय 12, ठीक है, प्लस अब ये एक्सिस का निकालना है हमको। अब बताओ मेरे को, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो के लिए कितना है? इस एक्सिस में कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। हॉलो के लिए यहां क्या आंसर आने वाला है? एम आर स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, ये एम आर स्क्वायर बाय टू कहां से आया, ये एम आर स्क्वायर बाय टू इस एक्सिस के अलोंग था, तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब सॉलिड के लिए एम आर स्क्वायर बाय 12 तो एज इज रहेगा, और यहां पर इसका सॉलिड का ये इस एक्सिस में था, तो इस एक्सिस में कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाय 4, तो यहां पे आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया, एक्सिस कहां है ध्यान से, इस सिलेंडर के बीच में सेंटर पे, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब फिर से मैं एक्सिस की पोजीशन चेंज कर देता हूं, अब देखो कैसा आंसर आने वाला है। अब एक्सिस है यहां पे, तो अगर मैं इसको रॉड कंसीडर करूं तो ये रॉड की एक्सिस किधर है, क्या एक एंड पे है, तो अगर मैं एक एंड पे बोलूं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, तो कितना आता है एम एस स्क्वायर बाय 3, तो बस यहां पे एम एस स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और अगर आपको बीच में भी कहीं एक्सिस दिया तो बस आपको क्या करना है, रॉड के लिए वो आंसर निकाल लेना है और सामने ये एज इट इज लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसमें क्वेश्चन में सब चीजें देगा कि द मास ऑफ सिलेंडर इज 2 kg, द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 4 meters एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.5 meters। ठीक है, और आपको बोलेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस नंबर 1, अबाउट एक्सिस नंबर 2, और ये भी पूछ सकता है कि विच वन इज ग्रेटर, अबाउट एक्सिस नंबर 1 और अबाउट एक्सिस नंबर 2, तो किसमें ज्यादा रहेगा। एक्सिस नंबर 1 में एक ही टर्म आने वाला है, एक्सिस नंबर 2 में 2 टर्म्स आ गए, तो ऑब्वियसली 2 टर्म्स का एडिशन ज्यादा ही आने वाला है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही रहने वाला है। क्लियर है, ऐसा क्यों हो रहा है लॉजिकली भी हम बता सकते हैं। जब ये एक्सिस लिया था हमने तो ये एक्सिस से डिस्टेंस कम था मासेस का, लेकिन जब ये एक्सिस ले लिया हमने तो ये डिस्टेंस बढ़ गया मासेस का, और हमने ये पढ़ा है जितना एक्सिस से दूर डिस्टेंस पे मासेस रहेंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहने वाला है, तो ये लॉजिक से भी हम आंसर यहां पे निकाल सकते हैं। तो अब ये देखेंगे हम कि इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो अब आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट PQ एक्सिस, अब एक्सिस कौन सी है, इस एक्सिस पे आंसर निकालना है हमको, तो अब कौन सा थ्योरम यूज होगा, पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस, अब इसमें दोनों यूज होने वाले। अब देखो दोनों कैसे, तो पहले तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकालना पड़ेगा, ये एक्सिस पे से, ये जहां पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है डी डी डैश, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्या ये डायमीटर पे है रिंग के, और हमने डायमीटर पे निकाला हुआ है, डायमीटर पे क्या होता है टोटल का आधा हो जाता है रिंग का जो रहता है, तो रिंग का कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, उसका आधा यहां पे एम आर स्क्वायर बाय 2। क्या ये रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यस, तो ये हो गया हमारा आईसी। और एच कितना है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस आर दिया है, तो फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। आईसी का आंसर क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 2, और एच कितना है आर, एच क्या होता है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे 1/2 + 1 = 3/2 हो गया आंसर, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इसके प्रॉब्लम ऐसे ही बहुत इजी होते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, थोड़ा सा समझना है, अगर वो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपको इसके हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम आज। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है पिछले सेशन में, लेकिन ऐसे वर्ड्स में इसको डिफाइन नहीं किया था मैंने, तो इसको वर्ड्स में डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या चीज दिया हुआ है इसमें, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट, एक रॉड थी उसके मिड पॉइंट से उसको बेंड कर लिया है, तोड़ा नहीं है सिर्फ बेंड किया है, और क्या किया है मिड पॉइंट से इनटू 2 halves सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 degree, मतलब कैसे बेंड किया, मान लो ये रॉड थी तो इसको ऐसे बेंड कर दिया है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 degree है। ठीक है, फिर क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग कुछ ऐसे है, ये रॉड थी पूरी ऐसी, इसको कैसे बेंड कर लिया, ऐसे बेंड कर लिया है, और ऐसे बेंड करके इसकी एक्सिस कहां रखा है, तो इसकी एक्सिस ऐसे रखा है यहां पे, ये दोनों रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनके परपेंडिकुलर एक्सिस से हमको आंसर निकालना है। तो मतलब आप देखो डायग्राम हम बना के भी देख लेंगे इसमें कि कैसे होने वाला है। तो ये देखो यहां बना लेते हैं हम रॉड का डायग्राम, तो हमारे पास पहले कितने रॉड है, पहले तो एक ही रॉड थी जिसका मास है एम और जिसकी लेंथ है एल,
ठीक है, ये रॉड थी। अब इसको क्या करें, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने, और दोनों पार्ट में पूरा ब्रेक नहीं किया, कैसा ब्रेक किए फिर इसको, आधा आधा ब्रेक करके भी कैसा रखे इसको, पहले थोड़ा आधा कर लेते हैं ये रॉड को, तो ये रॉड हो गई अब आधी, और इसका आधा पार्ट किधर है फिर, तो इसका आधा पार्ट है आपका, चलो और एक रॉड बना लेंगे, तो इसका आधा पार्ट इधर है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये आधा पार्ट अब कुछ एंगल पे रखे हुए हमने ऐसा, और ये एंगल ये ऐसे बेंड करके रखे हुए हमने। अब ये देखो ये ऐसा रखे हुआ है ऐसा, ये ऐसे 90 डिग्री पे, चलो 90 डिग्री पे रख लेते हैं ये ऐसा, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने के लिए, तो ये 90 डिग्री पे रख लेता हूं मैं इसको, ऐसे हमने रख दिया इनको बेंड करके। अब इसमें एक्सिस कहां से दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला है एक्सिस यहां पे है, पॉइंट मतलब किधर, बाहर है इधर, और हम इनको अब इस एक्सिस पे घुमाने वाले हैं गोल, तो बोला है कि आंसर निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मेरे को इसका लेंथ बताओ, एक रॉड का लेंथ एल बाय टू, इसका मास एम बाय टू, इसका भी एम बाय टू मास और एल बाय टू लेंथ। अब ये देखो ये मैं बोलूंगा दिस इज अ सेपरेट रॉड, अगर ये सेपरेट रॉड है तो इसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कहां से, एक एंड से, एक एंड से क्या आंसर आता है एम एस स्क्वायर बाय थ्री, और इसका भी एक एंड से एम एस स्क्वायर बाय थ्री, दोनों को ऐड कर दो, हो गया आपका आंसर। तो ये देखो यहां पे, तो अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिखूंगा आई वन प्लस आई टू, ये डिस्कमेंट ये सॉरी ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है एम एस स्क्वायर बाय थ्री। तो ये देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम, एम कितना है इसका मास एम बाय टू, और एल बाय टू का स्क्वायर एम एस स्क्वायर बाय थ्री आने वाला है, तो इसको और क्या करेंगे वन बाय थ्री कर देंगे, तो ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर बाय थ्री, एम बाय टू एल बाय टू क्यों लिखे इसका मास और लेंथ, फिर प्लस इसका क्या इसका भी सेम ही आने वाला है, तो मैं इसको प्लस के बजाय क्या लिख लूंगा यहां पे ऐसे ही दो बार आने वाला है, तो बस इसको सॉल्व करो, टू टू कैंसिल हो गया, यहां पे क्या आएगा एम एल बाय टू का स्क्वायर एस स्क्वायर बाय फोर, और ये फोर इंटू थ्री 12, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाय 12, और एक बात गौर करो एम एल स्क्वायर बाय 12 किसका आंसर आता है, एक बड़ी रॉड जिसका मास एम है जिसका लेंथ एल है उसमें एक्सिस कहां से पास होना चाहिए सेंटर से, मतलब हम क्या कर रहे हैं देखो इसमें लॉजिक का, अब इसको हमेशा पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, ये ऐसे रॉड से दो टुकड़े कर दिए थे इसको बीच में से, दो टुकड़े नहीं किए थे बेंड किए थे, अब देखो क्या कर रहे हैं हम इसको वापस सीधा कर देंगे और बोलेंगे एक्सिस यही से, तो एक्सिस अब ये दोनों के कहां से पास हो रहा है सेंटर से, और हम आंसर निकाल लेंगे उसका, किसको सीधा कर दो और बोलो सेंटर के एक्सिस से कितना आता है रॉड का, तो रॉड का कितना आता है एम स्क्वायर बाय 12, तो ये भी लॉजिक से आंसर निकाल सकते हैं। रॉड अगर ब्रेक हो गई तो अब डिपेंड करते हैं कैसे पोजीशन पे रख रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि अगर रॉड ऐसी है, मान लो यहां पे एक रॉड बना लेते हैं, अब ये रॉड ऐसी है और इसमें एक्सिस हमको यहां दिया है, एक्सिस हमको कुछ ऐसा दिया है और हमको बोला है कि ये एंगल है आपका 30 डिग्री, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से एम एस स्क्वायर बाय 3 होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमको इसका लेंथ कौन सा लगता है एक्सिस से, परपेंडिकुलर वाला लेंथ, तो हम इसका परपेंडिकुलर लेंथ किधर रहेगा, ये वाला लेंथ रहेगा, ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे एल साइन 30 से निकालेंगे, या फिर हम बोलेंगे ये 30 है तो ये 60 होने वाला है, तो एल कॉस 60 से भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकालना पड़ेगा इसका, डिपेंड करता है कैसे फोल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है, और फोल्ड करने के बाद या तोड़ के रखने के बाद एक्सिस किधर है उसमें भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है, तो चलो आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, अब देखो इसको ट्राई करके क्वेश्चन बन जाता हूं मैं, टू थिन रॉड्स ऑफ मास एम एंड लेंथ एल ईच आर जॉइंट टू फॉर्म एल शेप, ये वैसे अभी की जैसे ही कैसे एल शेप बना दिया है, अब क्या किया एल शेप बनाने के बाद, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू फ्री एंड, ओ फ्री एंड मतलब क्या, खुला हुआ एंड, तो यहां पे तो दोनों बंधे हुए हैं, तो ये फ्री एंड है आपका फ्री एंड ओ, और यहां से ये परपेंडिकुलर टू बोथ द रॉड्स मतलब ऐसी एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां पे कैसे निकालेंगे, इस रॉड का तो आ जाएगा कहां से, एक एंड से कितना एम एस स्क्वायर बाय 3, ये तो आ जाएगा, अब इस रॉड को कैसे निकालेंगे यहां से, तो कल हमने इसकी एक ट्रिक एक इसका सॉल्यूशन देखा था कैसे, अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो उसका कहां से निकालना पड़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
उसके सेंटर ऑफ मास से। तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, इधर आएगा कहीं तो। ये लेंथ कितना रहेगा, एल बाय टू। और ये एक्सिस ऐसी है, ये भी एक्सिस बाहर है, दोनों एक्सिस कैसे है पैरेलल, तो कौन सा थ्योरम लगेगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस निकाल सकते क्या आप, कैसे अथवा थ्योरम, ये एल, ये एल बाय टू, तो ये कितना, ये आएगा रूट फाइव एल बाय टू, ये हमने कल ही निकाला था, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले इस रॉड का कितना आएगा इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय थ्री। तो यहां निकले तो मैं टोटल निकाल रहा हूं, तो पहला आएगा एम एल स्क्वायर बाय थ्री। अब इसका जब निकालेंगे यहां से तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ यहां पे, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, रॉड के सेंटर से एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एच कितना है, ये है इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा 5 एल स्क्वायर बाय 4। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इनको ऐड देखो कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूं 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 3 इंटू एम इंटू 5 इंटू एल स्क्वायर बाय 12। क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसमें 4 प्लस 1 प्लस 3 5 इज 15, 15 प्लस 5 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 एम एल स्क्वायर बाय 12। अब इसको करो डिवाइड, किससे होगा डिवाइड, 4 से कर लो, 4 5 जा 4 3 जा 5 बाय 3 एम एल स्क्वायर, ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है, अब इसमें हमारे पास है थिन रॉड ऑफ लेंथ 4L, टोटल लेंथ कितनी है 4L, और हमने क्या किया, मास कितना है उसका 4L। अब इसको क्या किया, ऐसे मोड़ दिया है, कैसे मोड़ दिया है, एस शोन इन द डायग्राम, और ये एंगल कितना है सबके साथ 90 डिग्री। और हमको क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ एक्सिस पासिंग टू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब फिर से एक्सिस ऐसे है बाहर है। अब ये देखो, ये जो रॉड बनी इसका पॉइंट कहां पे है, एक एंड पे है, एक एंड से आंसर एम एल स्क्वायर बाय 3, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। और इस रॉड का भी वैसे ही है एम एल स्क्वायर बाय 3। ये दोनों रॉड का क्या करेंगे, इसका फिर से वही काम करना जो लास्ट क्वेश्चन में किए, क्या किए थे लास्ट क्वेश्चन में, इसके सेंटर से डिस्टेंस निकाले थे, तो यहां भी वही करना है। यहां पे क्या करना है आपको, कैसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहां से इसके सेंटर पे, और ऐसी लाइन यहां से इसके सेंटर पे, और लेंथ क्या उतना ही आएगा जितना पहले क्वेश्चन में आया था, ये क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है, तो इतना, ये कितना एल बाय टू, एल और एल बाय टू आप पाइथागोरस से निकालेंगे वही आंसर आएगा। बस इसमें जो हमने पिछले क्वेश्चन में चीज एक बार की, इसमें दो बार करना है, मल्टीप्लाई बाय टू करके लिख देना है, ठीक है। तो मैंने इसका आइडिया बता दिया कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ट्राई करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका एम एल स्क्वायर बाय 3, इसका एम एल स्क्वायर बाय 3, इस ये दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा ऑप्शन सी आ गया आंसर, हो सकता है ऑप्शन सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन क्या है, टू डिस्क, क्या है हमारे पास, अब डिस्क है और सेम मास एंड सेम थिकनेस, हैव डेंसिटीज 79.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। चलो ये डिस्क हो गया और डिस्क का कुछ ना कुछ थिकनेस भी है। अब ऐसे कितने डिस्क है, ऐसा और एक डिस्क है हमारे पास, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले डिस्क का डेंसिटी इतना है और दूसरे डिस्क का डेंसिटी इतना है, दोनों का मास सेम है, तो इसका भी मास है, इसका भी मास है, दोनों का रेडियस भी सेम है आर, ठीक है। तो फर्क सिर्फ है डेंसिटीज का, हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मतलब क्या, कि एक्सिस हमारा ऐसा है, दोनों के सेंटर से जा रहा है, ठीक है। अब क्या हमको सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम है, कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, ये मैं फर्स्ट डिस्क सेकेंड डिस्क बोल देता हूं, तो हमको निकालना है आई वन अपॉन आई टू, तो इसका आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर बाय 2। तो दोनों का मास तो सेम ही है, तो मास हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन अब रेडियस कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा फिर, और आंसर जो आएगा 1:1 ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको डेंसिटी यूज करना है, तो इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एम बाय ए क्या एम बाय वी, एम बाय ए या एम बाय वी देखते हैं। चलो अब ये डिस्क का थिकनेस दिया है,
अगर थिकनेस दिया है तो वो 3D है और थिकनेस वैसे भी सेम ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा, दोनों वो कैंसिल होने वाले। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में लिख लेता हूं। अब मास अपॉन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस डिस्क का, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और इंटू इसकी थिकनेस मान लो कुछ तो डीएक्स है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएंगी एम बाय रो इंटू पाई डीएक्स। तो यहां पे आर स्क्वायर की जगह अगर मैंने पुट कर दिया तो एम बाय रो वन पाई डीएक्स, इसको मिटाना पड़ेगा, ये इसको मिटा के हम रख देंगे आर के जगह वैल्यू, तो देखो कुछ ऐसे आएगा, तो क्या बचेगा कैसे बचेगा, तो यहां पे आंसर आएगा हमारा 51/17 जिसका आंसर आएगा 3/1 और ये शायद ऑप्शन में था, ठीक है तो ये आंसर है इसका ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं आगे, अब ये क्वेश्चन मजेदार है, अब ये देखो क्वेश्चन कैसा है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें एक बॉक्स है हमारे पास ऐसा और इसमें कुछ तो कट किया हुआ है कैसे तो भी। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या, जिसके कितने साइड सेम है, जिसके दो साइड सेम है। हाँ गर्ल्स अब बाहर जाएंगे गर्ल्स पीछे, ठीक है तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल पीस इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल, ये स्क्वायर प्लेट है इसका साइड कितना है एल, इसमें से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कट करके निकाल दिया है। अब देखो क्या बोला है, द पीस इज 1/4 ऑफ द स्क्वायर, ये पीस कितना है स्क्वायर का एक चौथा हिस्सा है 1/4 है, ठीक है एंड द मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट इज एम, मतलब कितने पीस का कितने पार्ट का मास एम है, ये जो पार्ट बचा हुआ है इतना इसका मास एम है, ठीक है ये ध्यान से ये समझना है क्वेश्चन में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द दिस इज, अब ये देखो ये तीनों का मिला के मास कितना है एम, ये पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल, तो एक का मास कितना एम बाय थ्री। अब मैं बताऊ पूरे स्क्वायर का मास कितना है फिर एम बाय थ्री एम बाय थ्री एम बाय थ्री एम बाय थ्री कितने बार 4 बार, तो इसका टोटल मास मैं बोल दूंगा है 4m/3 और अगर मैं पूरा स्क्वायर ले लू तो क्या मेरे को पूरे स्क्वायर के सेंटर से मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, कितना आता है ये हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में निकाले ml² / 12 इस एक्सिस में है, यहां से कितना था ml² / 6 था यहां से, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पूरे स्क्वायर का। अब आप बोलेंगे पूरा स्क्वायर तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, ये पार्ट को निकाल के फेंक दो बोला है, तो हाँ बाद में निकाल देंगे उसको, ठीक है अब देखो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे टोटल स्क्वायर का पूरे स्क्वायर का, तो पूरे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 6, तो मास कितना है पूरा इतना मास है, तो मैं बोल दूंगा 4m/3 l² / 6 यहां तक क्लियर है, ये पूरे स्क्वायर का हो गया। अब पूरे स्क्वायर में से कितना निकालना है, ये इतना निकाल देना है, ये कितना पार्ट है m/4, तो कितना पार्ट बचा मास का m/4 चला गया तो बचा कितना, ये यहां निकाले थे हमने ये तीनों का m तो बचा ये, लेकिन अब देखो m/4 फॉर्म में होना है, टोटल मास यहां पे आ गया 4m/3, तो ये देखो अब अगर मैं इसका टोटल मास बोलू m और यहां पे m/4 चला गया तो कितना बचा 3m/4 बचा, तो यहां पे चलो इसको ऐसे कंसीडर कर लो ये पूरा एक स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया इतना आया। अब हमको कितने पार्ट का चाहिए, इसके हमने 4 हिस्से किए और 4 हिस्सों में से सिर्फ 3 हिस्सों का चाहिए, तो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से कैसे लिखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू राइट 3 पार्ट आउट ऑफ 4 तो 3/4 लिखना पड़ता है हमको, तो अब मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया, तो इसको मैं फिर से 2 तरह से लिख सकता हूं, देखो कैसे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट, माइनस कर दिया उसमें जितना निकाल लिया उसका, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, ये 4 हिस्से थे हमको 4 हिस्सों का चाहिए क्या, नहीं 4 में से 3 हिस्सों का चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा 3/4 ऑफ टोटल, टोटल कितना है इतना है, तो लिख लो टोटल 4m/3 l² / 6, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा ml² जिसका ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन ए, या फिर ऐसे भी आप निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, टोटल के लिए लिख लेना ये माइनस रिमूव के लिए कितना, इसका मास कितना है m/3
इसका मास m बाय थ्री है और इसका लेंथ यहाँ पे m बाय थ्री आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय सिक्स लगा दो यहाँ पे भी, तो माइनस करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, और तो इससे आप कर सकते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन हमारा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, फॉर अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड r करेस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। अब क्या किया हमारे पास एक सर्कुलर रिंग था, तो ये सर्कुलर रिंग को क्या किया देखो, ऐसा कुछ किए, तो यहां बना लेते हैं हम सर्कुलर रिंग। तो यहां पे ऐसा कुछ रिंग है मेरे पास, और ये रिंग को क्या किया हुआ है, ये जो रिंग है कुछ ऐसा रिंग है, और ये रिंग में से क्या किया हमने एक 90 डिग्री पार्ट बाहर निकाल दी, ठीक है। अब 90 डिग्री पार्ट बाहर निकाल लेते हैं हम, तो ये देखो अब 90 डिग्री पार्ट बाहर कैसे निकलेगा, तो ये 90 डिग्री पार्ट हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट बाहर निकाल दिया उसके बाद क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट अबाउट द रेस अबाउट द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर, मतलब एक्सिस तो यही रखना है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज के टाइम्स एम आर स्क्वायर, मतलब अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बोल रहा आने वाला है के टाइम्स एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू निकालो ऐसा बोला है। तो अब इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें रेडियस चेंज हुआ क्या, नहीं भी, क्या चेंज हुआ, जब रिंग का इतना हिस्सा निकाल दिए तो मास चेंज होगा, कितना चेंज हो गया मास, 3/4 हो गया टोटल मास का। तो सिर्फ यहां पे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना आता है, अबाउट दिस एक्सिस एम आर स्क्वायर, लेकिन अब एम आर स्क्वायर रहेगा क्या, क्यों नहीं, अब क्या चेंज आ जाएगा, यहां पे सिर्फ 3/4 आ जाएगा, और यहां पे 3/4 आ गया तो हमको बोला के एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी है 3/4, तो आंसर है आपका 3/4। अब यहां पे 90 डिग्री की जगह कितना भी डिग्री का कट दिया होता, 60 डिग्री का कट दिया होता, 30 डिग्री का कट दिया होता, तो आप कैसे निकालते, तो हमने इसके लिए भी फॉर्मूला सीखा जब मैं रिंग पढ़ा रहा था आपको, कि क्या करना है, m इंटू थीटा बाय 360 अगर थीटा डिग्रीज में है और रेडियन में है तो थीटा इंटू थीटा अपॉन 2π इंटू m, ऐसा आप करेंगे उसका मास मिल जाएगा, बस मास चेंज करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। तो हमेशा 90 डिग्री नहीं आएंगे क्वेश्चन में, कितना भी आ सकता है, तो उसमें ये ट्रिक यूज करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो क्वेश्चन कैसा है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r होज रिम, रिम क्या होता है, सर्कल का या डिस्क का रिम किसको बोलते हैं, रिम उसके एंड को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग टू द सेंटर। अब ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। तो आपके पास यहां पे एक डिस्क दिया हुआ है और ये डिस्क कुछ ऐसा है, ये डिस्क कुछ ऐसा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे इसका, चलो ये डिस्क कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये डिस्क में से हमने क्या किए, कुछ पार्ट कट किए, कितना पार्ट कट किए, तो यहां पे बोल रहा है हमको द रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, मतलब एक हमको ऐसा पार्ट कट करना है जो कैसा जा रहा हो, इसके सेंटर से जा रहा हो और ये ऐसा है, ठीक है, और इतना पार्ट कट करना है, तो ये पार्ट हमने कर लिया कट। अब हमको बोला है इतना पार्ट जो बचा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कहां से, अबाउट एन एक्सिस ऑफ द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इतने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब यहां पे फिर वही करेंगे जो पिछले केस में किए थे, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का, तो रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। अब मैं पहले इसके कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहां पे मैं बना लेता हूं रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस है आपका आर बाय टू, क्योंकि इसके आधे रेडियस में कट किया, यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये देखो हमको करना क्या है, तो हमको पहले इसका रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन कहां से, यहां से इस एक्सिस से, इस एक्सिस से हमको अभी पता है क्या नहीं, लेकिन क्या निकाल सकते, यस हमको इस एक्सिस से पता है, सेंटर से, सेंटर से ये डिस्क का कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
एम आर स्क्वायर बाय टू, लेकिन आर ध्यान रखना है, आर ये है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाय टू आ गया। तो हमको इस एक्सिस के अलोन क्या हम निकाल सकते हैं, दोनों एक्सिस कैसे है पैरेलल, तो कौन सा टर्म लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस टर्म। तो पहले हम रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलो आईसी प्लस एम एस स्क्वायर। तो आईसी कितना है इसका, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए पहले इसका मास भी मालूम होना चाहिए। इसका मास कैसे निकालेंगे, इसका मास हमने निकालना सीखे थे सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास में इसका मास कैसे निकाला था हमने, आंसर क्या आया था इसका, एम बाय फोर आया था। वो कैसे निकाला था हमने, हमने डेंसिटी का यूज किया था, और डेंसिटी का भी कैसे, ये ऐसे कि अगर टोटल मास एम है तो इसका एरिया कितना है पाए आर स्क्वायर। अब हमको मास पता नहीं है लेकिन इसका एरिया पता है, इसका एरिया कितना है पाए आर बाय टू का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने, आंसर आ गया था। तो इसमें भी वैसे ही करना है, तो इसमें मास कितना आ जाएगा एम बाय फोर, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा। तो अब यहां पे आईसी में मेरे को लिखना है एम आर स्क्वायर बाय टू, और लेकिन एम के जगह क्या लिखना पड़ेगा एम बाय फोर, और आर स्क्वायर बाय टू इसका रेडियस कितना है आर बाय टू, तो ये ऐसा आएगा आर बाय टू का स्क्वायर डिवाइड बाय टू। हालांकि बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एम आर स्क्वायर बाय टू ही है, लेकिन क्योंकि इसका मास एम बाय फोर है तो एम बाय फोर आ गया, रेडियस आर बाय टू है तो उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू। अब फिर से मास कितना है इसका एम बाय फोर, एच की वैल्यू कितनी है आर बाय टू, फिर से आर बाय टू का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो इसका आंसर एम बाय फोर आर बाय टू का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय फोर, और ये टू ऑलरेडी इधर, प्लस एम बाय फोर आर बाय टू का स्क्वायर आर स्क्वायर बाय फोर। चलो ये देखो फोर फोर का 16, 16 टू का 32, तो इसका आंसर आ गया एम आर स्क्वायर बाय 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4 फोर का 16, तो इसका आंसर आएगा 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, ठीक है। तो ऐसे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप बटरफ्लाई रूल से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, तो इसका आंसर आ गया 3 एम आर स्क्वायर बाय 32। ये कौन सा आंसर आया, रिमूव्ड पार्ट का आंसर आया। अब इसको उठा के कहां रखना है, इसको उठा के यहां रखना है, और ये आई का आंसर क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अबाउट सेंटर एम आर स्क्वायर बाय टू, तो वो यहां पे रखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं यहां पे, देखते हैं कैसे आंसर आएगा। तो यहां पे अब आएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, आरपी बोल देते इसको, रिमेनिंग पार्ट। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम आर स्क्वायर बाय टू, उसमें से माइनस कितना करना है 3 एम आर स्क्वायर बाय 32, तो करो इसको सॉल्व, 32 इंटू 1 32 माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 32 माइनस 6 32 माइनस 6 26 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 2 1 जा 2 13 जा, आंसर है 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर है क्या ऑप्शन में, 13 बाय 32 एम आर स्क्वायर, तो ऐसे इसका आंसर आने वाला है। तो ऐसे आप कहीं से भी शेप कट किया हो सकता है, हमेशा ऐसे नहीं होगा। अब आपको दे देगा कि यहां से इतना कुछ इससे कट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको बोला है आर बाय थ्री का कट किया है, तो अब मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना, अगर ये आर बाय थ्री का कट किया है तो ये डिस्टेंस कितना, ये हो जाएगा 2r/3 यहां से यहां तक, और ये टोटल कितना है r, तो r माइनस 2r/3 करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो आपको लेकिन ये सेंटर से ये सेंटर का डिस्टेंस ये, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस ऐसे बन जाएंगे इसमें, तो इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो फिर, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसे जब भी कट किया होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, टोटल में से माइनस रिमूव वाला पार्ट, तो पहले रिमूव पार्ट का निकाल लेना है, फिर टोटल में से उसको माइनस कर लेना है। और हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एक ही जगह से कट है, जैसा हमने सेंटर ऑफ मास में किया था, यहां से एक कट, यहां से एक कट, और यहां से एक कट, ऐसा भी आ सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है, देखो नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम बना के बताता हूं मैं, एक आपको डिस्क दिया होगा कुछ ऐसा, और ये डिस्क में ही हो सकता है, रिंग में नहीं, क्यों, ये रिंग के बीच में मास ही नहीं है। तो ये देखो ये डिस्क है आपकी, और ये डिस्क में अब ऐसा दिया होगा आपको,
कैसे दिया होगा, इसमें से आपको कुछ पार्ट कट करना है, और जो कट करना है वो देखो ऐसा कुछ रहेगा पार्ट, ये जो कट करना है पार्ट आपको वो कुछ ऐसा रहेगा। अब ये इधर से भी कट करना है, ऊपर से भी, और एक ये जो कट करना है पार्ट ये कट कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। अब ये कट यहां से किया है, यहां से भी किया है, यहां से भी किया है, और यहां से भी किया है। अब बोला है जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो ग्रीन कलर का पार्ट बचा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो कैसे निकालेंगे आप, आपको रेडियस दे देंगे, रेडियस आर बाय टू आर बाय थ्री जितना भी है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ऐसा कितनी बार लगाना पड़ेगा, या फिर आप एक ही बार निकालो मल्टीप्लाई बाय फोर कर दो तो भी वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसका भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते, कैसे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट। तो रिमूव पार्ट के लिए भी आप क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे और उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसा करेंगे, आई माइनस फोर टाइम्स आई ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो इससे आपको किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पार्ट का। रिक्वायर्ड मतलब कितना रिक्वायर्ड है इसमें, जितना ग्रीन कलर का बचा हुआ है पार्ट, सिर्फ उतने का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें क्या दिया है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर मास 9m, अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r बाय 3 इज रिमूव्ड, सेम टाइप का क्वेश्चन है। और क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क निकालो। तो सेम वही स्टेप करना है, एक ही डिस्क निकालना है जिसका मास कितना है m, जिसका रेडियस कितना है r बाय 3, इसमें तो मास भी दे दिया, हमको डेंसिटी से निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाओ। और इसका आंसर कैसे आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट, बस उतना करो आपका आंसर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बढ़ते आगे। हाँ तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री थिन रॉड्स। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अभी तक के कॉन्सेप्ट समझे होंगे सिर्फ उन्हीं को ये क्वेश्चन आएगा। तो ये देखो कैसा है, कितने रॉड्स है, तीन रॉड्स, और तीनों का लेंथ एल है, तीनों का मास एम है, उनको कैसे प्लेस किया है, एक को एक्स एक्सिस में, दूसरे को वाई एक्सिस में, तीसरे को जेड एक्सिस में। मतलब ये कैसे प्लेस किया गया है, एक पेन बताओ इधर, ये तीनों रॉड्स को ऐसे प्लेस किया गया है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और तीसरा जेड एक्सिस में। और क्या बोला है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट जेड एक्सिस, मतलब हमारी एक्सिस किधर है, अब ये वाली एक्सिस है, अगर ये वाली एक्सिस है तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, जीरो। ये हमने पढ़ा था, जब मैंने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया था, मैंने बोला अगर रॉड की एक्सिस में ही हमारा एक्सिस है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, जीरो। तो इसमें कितने रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। ये जो रॉड है इसमें एक्सिस कहां से पास हो रही है, इसके एक एंड से, एक एंड का आंसर कितना ms / 3, और ये भी रॉड का तो वैसे ही है, तो ms / 3, इसका ms / 3 कितना 2ms / 3 हो गया आंसर, इतना ही आंसर है। तो आंसर क्या है इसमें, 2ms / 3 ऐसे होना चाहिए था, तो ये आंसर करेक्ट है, 2/3 ms². तो ये देखो क्वेश्चन लिख रहा है, बहुत टफ है, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन कैसे करना है, ये कुछ ऐसे कि एक रॉड ऐसे है, दूसरा रॉड कैसे है इसका, तीन रॉड है हमारे पास, ऐसे तीन रॉड है, लेकिन तीनों रॉड एक जैसे है लेकिन एक एक्सिस में नहीं है। ये जो रॉड है ये कौन से एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में हो गया, दूसरा वाई एक्सिस में है, और तीसरा कहां है, जेड एक्सिस में, ये ऐसा है तीसरा, ठीक है। और हमारी एक्सिस किधर है, एक्सिस भी हमारा कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में भी है, ऐसा एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखो ये एक्सिस के अलावा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, तो सिर्फ ये दो रॉड का आने वाला है। इसका भी रॉड का किधर है, एक एंड पे, और इसका भी एक एंड पे, एम एस स्क्वायर बाय 3, एम एस स्क्वायर बाय 3 कितना 2ms² / 3, क्लियर है यहां तक। अगर मैं एक्सिस इधर ले लू तो तब क्या आंसर आएगा, तब भी उतना आने वाला है, इस रॉड का जीरो हो जाएगा, ये दोनों का आएगा ms² / 3 प्लस ms² / 3 2ms² / 3, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो अब ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कर क्या रहे हैं हम, तो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, उसको हमने बेंड किया और कौन सा शेप बनाया, पूरा सर्कल भी नहीं बनाया, सेमी सर्कल बनाया, और सेमी सर्कल ऐसे बनाया, और इसमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग इट्स थ्री एंड्स,
ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस मतलब इसके जो खुले हैंड से हमको ज्वाइन कर दिया और वो एक्सिस में इसको घुमाना है। तो ये देखो ये इसके खुले हैंड्स है, तो हम ये हैंड्स को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो एक्सिस किधर बनेंगी इसकी, इसकी एक्सिस कुछ ऐसे बनेंगी, ठीक है। और यहां पे हमको इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। अब ये कौन सा एग्जांपल बन गया हमारा, सेमी सर्कुलर रिंग का एग्जांपल बन गया। और यहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अब इसका टोटल मास एम है और रेडियस कितना है आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा अबाउट दिस एक्सिस, एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर बाय टू। अब ये देखो अगर मैं यहां लूंगा एक्सिस और ऐसी एक्सिस लू परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो इसका आंसर आएगा एम आर स्क्वायर, लेकिन अलोंग द डायमीटर एम आर स्क्वायर बाय टू आधा हो जाएगा, तो इसके अलोंग आंसर आने वाला है एम आर स्क्वायर बाय टू। लेकिन अब हमको ऑप्शन में आर है ही नहीं, हमको ऑप्शन में हर जगह एल दिख रहा है लेंथ, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है बस आर को एल में। अब मेरे को ये बताओ टोटल लेंथ जो था वो एल है, उसको हमने कौन से शेप में बेंड कर लिया है, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या आपको इसका लेंथ पता है, ये सरफेस का लेंथ, इसका लेंथ कितना है, टू पायर नहीं सिर्फ पायर, सिर्फ पायर क्यों, आधा सर्कल है, पूरे सर्कल का टू पायर होता है तो आधे सर्कल का पायर। इसका मतलब जो लेंथ है वो कितना है, यहां पे आपका लेंथ है पाय आर के इक्वल, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एल बाय पाय, ये पुट कर दो हो गया आपका आंसर। तो आंसर कैसे आएगा, आई इज इक्वल टू एम बाय टू, आर की जगह एल बाय पाय का स्क्वायर, तो आंसर आ गया एम बाय टू एल स्क्वायर बाय पाय स्क्वायर, तो ऐसा आपका आंसर आने वाला है। और अगर मैं पूरे सर्कल में बेंड करता तो टू बाय आर लिख देते इसको, बस उतना ही चेंज आता, बाकी कुछ चेंज नहीं आता, क्लियर है यहां तक। अब इसमें मैं इसको ना हाफ सर्कल में कर रहा हूं ना फुल सर्कल में, मैं इसको क्वार्टर सर्कल में कर रहा हूं, तो क्या आता यहां पे, क्या आ जाता पाई आर बाय टू, ठीक है। 30 डिग्री में बेंड कर लिया है मैंने, अब कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे पाई आर बाय सिक्स, या फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे पाई आर इंटू थीटा बाय 360, ठीक है। जो भी थीटा दिया है वो रख देना है, उसका आंसर आ जाएगा। और ये हमने कहां सीखा है, एक सेक्टर के लिए निकालना, ये हमने पिछले सेशन में सीखा है, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसका आंसर आ गया, ये बढ़ते आगे, हाँ ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसका, ये इतना पार्ट देख के रुक जाएंगे हम, ठीक है। तो ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से निकालना है, और हमने सेंटर ऑफ मास में ये पढ़ा था अलग अलग शेप का सेंटर ऑफ मास किधर आता है, ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दिया था याद करने के लिए। तो ये इसमें किधर था, यहां से कितना ऊपर 4r by 3 pi, तो हमको यहां से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कितना डिस्क है, हाफ डिस्क है, इसका मास मान लो m है और इसका रेडियस है r, ठीक है। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना आएगा, ये एक्सिस से कितना एम आर स्क्वायर बाय टू ही आने वाला है। अब यहां m बाय टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मास एम ही दिया है। अगर हमको बोला होता पूरा डिस्क है उसमें से कट करके निकालो तो हम मास आधा करते, लेकिन यहां पे पूरा ही मास एम दिया है, तो हम इसको बोलेंगे इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आने वाला है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू, कहां से, यहां से। ये मैं पॉइंट ओ नाम देता हूं, लेकिन हमको पॉइंट ओ का निकालना ही नहीं है, हमको कहां का निकालना है, पॉइंट सी का, सेंटर ऑफ मास का। तो अब ये देखो ये एक्सिस इधर, दूसरी एक्सिस इधर, कैसे एक्सिस है दोनों, पैरेलल एक्सिस, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बोलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर। हमको निकालना क्या है इसमें, हमको आईओ पता है ऑलरेडी, आईओ कितना है, ये है आईओ, आई सी निकालना है, तो एम एस स्क्वायर उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आई ओ माइनस एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आईओ कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस एम एच कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4r/3π। ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, मैंने डायग्राम डाला है इसमें, तो ये आपको याद रहना है, कहां से याद रहना है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। तो ये h की वैल्यू कितनी है, 4r/3π का स्क्वायर, तो बस स्क्वायर ले लो, हो गया आपका आंसर। तो आई सी का आंसर आएगा एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस
फोर का स्क्वायर 16 एम आर स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो क्या करेंगे इसमें, कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका है। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूं यहां से आंसर, यहां पे मैं लिख लूंगा आयो माइनस एम ए स्क्वायर, और आयो भी मेरे को मालूम है इसका कितना है, आयो इसका एम आर स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर, एच कितना है 2r बाय पाई का स्क्वायर, हो गया ये आंसर, क्लियर है यहां तक, इसमें कुछ डाउट है, तो ऐसे हमारा ये आंसर आ चुका है, क्लियर है। तो ये देखो अब इसका लास्ट पॉइंट जो है हो गया, हाँ ये देखो अब इसमें ऐसे हमने जितने भी क्वेश्चन किए किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ये हर क्वेश्चन में एक पॉइंट आगे का भी पूछ सकता है, अब एक पॉइंट आगे इसमें के, अब इसमें के अलग है, अभी तक आपने बहुत सारे के पढ़े होंगे, जैसे केमिस्ट्री में क्या आता है पोटेशियम का, टेम्परेचर में क्या आता है केल्विन का, फिर एक केबी नाम का कॉन्स्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, फिर एक के नाम का स्प्रिंग में भी था स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, तो ऐसे बहुत सारे के आने वाले हैं, लेकिन ये के यहां पे कुछ और है, यहां पे ये के है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये क्या चीज है, तो ये जो गायर वर्ड आया है जी वाई आर ई, इससे बना है गायरेशन, गायर का मतलब होता है रोटेट होना, रोटेट होना मतलब घूमना, तो ये जब भी घूमेगा कोई ऑब्जेक्ट तो इसका हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस आप इसमें तो रेडियस मालूम है हमको ऑलरेडी, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट होता है, कहां शिफ्ट होता है, अब मान लो आपके पास एक ऐसे रेक्टेंगल है उसमें आपने पानी भरा हुआ है आधा फुल नहीं, और उसको आप घुमा रहे, तो ये पानी कहां जाता है उसमें का, कौन से एरिया में शिफ्ट होता है, उसके बाहर के साइड शिफ्ट होता है, तो अगर मास शिफ्ट हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ये सिर्फ ऐसे नहीं सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ भी होता है, तो सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ जो होता है अगर हम मोर रेडियस निकालेंगे तो वो क्या रहता है के, तो इसका फॉर्मूला आता है अब आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, सिर्फ यहां किसकी जगह आ गया एम आर स्क्वायर की जगह एम के स्क्वायर, लेकिन ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर रहेगा जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में अगर बोलता कि फाइंड के, तो आपको ये फॉर्मूला रख के निकालना पड़ता, और यहीं से के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट आई बाय एम, तो ये फॉर्मूले से आपको हर क्वेश्चन में पूछ सकता है, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड के, तो आप क्या करेंगे इसको इक्वल कर देना है एम के स्क्वायर से, एम एम काट देना है और ये स्क्वायर का रूट ले लेना है, तो यहां क्या आंसर आएगा के का अंडर रूट 16 आर स्क्वायर बाय 9 पाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 4 बाय 3 आर बाय पाई, तो ये क्या आ गया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जब कोई बॉडी घूम रही है तो ये कंसिडर करता है कि वो बॉडी का पूरा मास एक ही जगह है, कहां है उसके रेडियस पे, और वो रेडियस है के, जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए निकल सकता है। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, मतलब क्या रॉड की एक एंड से एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एम ए स्क्वायर बाय 3, तो उसका आंसर है एम ए स्क्वायर बाय 3, उसको किससे इक्वल करना है एम के स्क्वायर से, एम एम काट दो रूट ले लो क्या आंसर आएगा के इज इक्वल टू एल बाय रूट 3। अब ऐसे कितने भी कॉम्प्लेक्स शेप रहने दो, आखिरी का जो आंसर आएगा उसको एम के स्क्वायर से इक्वल कर देना है और कट करना है रूट लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही ये पूछ लेता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आपको डरना नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछा है तो पहले क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है, उसको लास्ट में इक्वल कर देना है एम के स्क्वायर से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए हम रुकते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद।